हेलो गुड मॉर्निंग किड्स होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल माई सेल्फ रिद्धि टुडे वी आर गोइंग टू लर्न ई वी एस सब्जेक्ट इन ई वी एस प्रिवियसली ऑल्सो वी हैव डन लेसन नंबर एट लेट्स सेलिब्रेट टुडेज डेट इज़ इलेवेंथ सप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी नाउ वॉट वी हैव टू डू इज सी यहाँ पे है टिक द करेक्ट आंसर्स जो आप लोगों ने लास्ट टाइम आपकी फ़्लावर्स बुक में जो टेक्स्ट बुक है उसमें किए थे राइट ये आपको आज लिखना है अपनी नोटबुक में ओके दिस फेस्टिवल इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर अ मंथ ऑफ फास्टिंग कौन सा सेलिब्रेट करते हैं आफ्टर मंथ ऑफ फास्टिंग एक पूरे मंथ फास्ट रखते हैं और उसके बाद उसको सेलिब्रेट करते हैं कौन सा है गुरुपुरब ईद और क्रिसमस ईद यस yes. तो आपको ईद पे टिक करना है नेक्स्ट इज वी ईट अ स्वीट डिश कॉल्ड पायसम ऑन ड्यूरिंग कौन से फेस्टिवल में पायसम खाते हैं? क्रिसमस में नहीं पोंगल में तो पोंगल की तो स्वीट डिश का नाम ही पोंगल है तो वो भी नहीं तो ओनम ओनम पे हम जो स्वीट डिश खाते हैं उसका नाम है पायसम देन वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन ट्वेंटी सिक्स जनवरी फिफ्टींथ ऑगस्ट और सेकेंड अक्टूबर कब सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे फिफ्टीन ऑगस्ट ओके सो फिफ्टींथ ऑगस्ट पर आपको टिक करना है ठीक है ना नेक्स्ट इज ये एक्सरसाइज भी है हु एम आई वो भी आपको लिखना है अपनी नोटबुक में आई एम कॉल द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स विच इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स कौन सा है फेस्टिवल जब हम लाइट्स दिया करते हैं दिवाली यस आई एम अ स्वीट डिश डैट पीपल हैव ऑन ईद ईद पर जो स्वीट डिश खाते हैं उसका नाम क्या है सीवेन एस ई वी ए आई एन सीवेन ठीक है नेक्स्ट इज आई एम सेलिब्रेटेड ऑन सेकेंड ऑक्टोबर एवरी ईयर कौन सा फेस्टिवल हम सेकेंड अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं दैट इज़ गांधी जयंती ओके नाउ नेक्स्ट इज देखो आप लोगों ने ये लास्ट टाइम आपकी नोटबुक में लिखा था आंसर दिस क्वेश्चंस आज आपको लिखना नहीं है इसको सिर्फ रीड करना है ठीक है टू टाइम्स आप रीड करना अगर कोई भी वर्ड में कहीं पे भी कंफ्यूजन होता है तो आप मम्मी से पूछ सकते हो आज आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लिखने नहीं हैं ओके नाव हाउ डू पीपल सेलिब्रेट दिवाली पीपल सेलिब्रेट दिवाली बाय इसका मतलब ये होता है कि वो लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं पीपल सेलिब्रेट दिवाली बाय क्या करते हैं दिवाली पे डेकोरेट देयर हाउसेस विथ लाइट बल्ब्स एंड दियास है ना हमारे घर पे भी ये चीज़ करते हैं हम कि दिवाली होती है तो मम्मा दिया लगाती है फिर लाइट बल्ब की सीरीज लगाते हैं हम है ना तो डेकोरेट देयर हाउसेस विथ लाइट बल्ब्स एंड दियास वेयर न्यू क्लोथ्स एंड इट्स स्वीट्स है ना नए नए कपड़े भी पहनते हैं स्वीट्स भी खाते हैं अच्छी अच्छी एंड प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी हम धनतेरस के दिन पूजा करते हैं ना दिवाली के दिन भी पूजा करते हैं तो प्रे टू गॉडेस लक्ष्मी ओके इतना आपको याद रखना है जितना जल्दी आप अपनी मदर टंग में याद रखोगे ना जो जो चीज़ें करते हैं हम वही लिखना है आपको तो इतना ही याद रखना है डेकोरेट देर हाउसिस With light bulbs and diyas, wear new clothes and eat sweets, pray to goddess Lakshmi. Okay. Next is how do people celebrate Onam? देखो, people celebrate Onam for ten days. जैसे हमार हम गणपति का जो festival है, वो ten days के लिए celebrate करते हैं, नवरात्री ten days के लिए celebrate करते हैं। तो ओनम भी टेन डेज के लिए सेलिब्रेट होता है दिवाली हम फाइव डेज के लिए सेलिब्रेट करते हैं राइट right? धनतेरस और उस तरीके से जो फाइव डेज है उसमें दिवाली हम सेलिब्रेट करते हैं ओनम का जो फेस्टिवल है वो कितने डेज के लिए सेलिब्रेट होता है टेन डेज पीपल सेलिब्रेट ओनम फॉर टेन डेज ठीक है नेक्स्ट इज देर वर न्यू क्लोथ्स देखो दे वेर न्यू क्लोथ्स नए नए कपड़े पहनते हैं दे वेर न्यू क्लोथ्स दे डेकोरेट देर हाउसीज बाय मेकिंग फ्लोरल डिज़ाइन ऑन द फ्लोर क्या करते हैं फ्लोरल डिज़ाइंस बनाते हैं फ्लोर पे है ना तो हम जैसे रंगोली बरता बनाते हैं कलर्स से दिवाली में वो क्या बनाते हैं फ्लोरल फ्लोरल डिजाइंस बनाते हैं अभी तो हम दिवाली पर भी फ्लोरल डिजाइंस बनाते हैं घर पर है ना तो दे डेकोरेट देयर हाउसेज बाय मेकिंग फ्लोरल डिजाइंस ऑन द फ्लोर्स ओके नेक्स्ट इज और वो जो फ्लोरल डिज़ाइन है ना उसका नाम है पुकलम्स क्या बोलते हैं उसको पुकलम्स ओके नेक्स्ट इज राइट द नेम्स ऑफ थ्री नेशनल फेस्टिवल्स आप सबको याद है हम लोगों ने अभी जीके में भी किया है जीके की नोटबुक में भी किया और हमारी फ्लावर्स नोटबुक में भी किया कौन कौन से है नेशनल फेस्टिवल्स यस yes. रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती करेक्ट रिपब्लिक डे इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती ओके नेक्स्ट इज ये आपको आज अपनी नोटबुक में लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स क्या क्या है एट ब्लैंक्स है पर आपको याद रखना है और आप सबको ये फेस्टिवल्स और सब पता है तो इजीली आप कर पाओगे ओके फर्स्ट इज़ We enjoy festivals with our des and friends. किसके साथ आ, हम festivals enjoy करते हैं family and friends. तो आपको क्या लिखना है family. F A M I L Y family and friends. Second is on Diwali we pray to goddess. अभी आप लोगों ने question answers में लिखा था किसको pray करते हैं Diwali में goddess. Lakshmi एल ए के एस एच एम आई गॉडेस लक्ष्मी ओके नेक्स्ट इज़ गुरुपूर्ब आर बर्थडे ऑफ द किसकी बर्थडे होती है कि गुरुपुरब जो है वो फेस्टिवल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं सिख गुरुज तो क्या लिखेंगे हम ब्लैंक में एस आई के एच सिख गुरुज जी यू आर यू एस गुरुज गुरुपुरब यहाँ पे स्पेलिंग में रॉन्ग है जी यू आर यू पी यू आर ए बी एस आएगा गुरुपुरब्स आर बर्थडेज ऑफ द सिख गुरुज ओके फोर्थ इज़ लंगस आर हेल्ड इन गुरुद्वारा ऑन गुरुपुरब आपको पता है ना मैंने बताया था आपको कि फ्री मिल होता है गुरुपुरब के दिन गुरुद्वारा में टेम्पल में सबको मिल मिलता है और वो फ्री होता है और सब एक साथ बैठ के खाते हैं तो वो उसको क्या बोलेंगे लंगर्स ठीक है तो लंगर्स आर हेल्ड इन गुरुद्वार ऑन गुरु ओके नेक्स्ट इज वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन अभी आपको डेट एंड मंथ याद मंथ याद रखना है कि कौन सी डेट पे हम कौन सा सेलिब्रेट करते हैं फेस्टिवल देखो वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन क्रिसमस को होता है ट्वेंटी फिफ्थ डिसम्बर एग्जैक्टली आपको यही लिखना है वी सेलिब्रेट क्रिसमस ऑन ट्वेंटी फिफ्थ दिसंबर देखो दिसंबर की स्पेलिंग क्या है डी ई सी ई एम बी ई आर डिसम्बर ओके नेक्स्ट इज वी सेलिब्रेट पोंगल इन द मंथ ऑफ जनवरी J A N U A R Y January okay second is Independence Day is celebrated on अभी आप बताइए Independence Day कब celebrate करते हैं हम 15th August देखो यहाँ पे भाई लिखना है आपको 15th August August की spelling है A U G U S T August okay it is Republic Day is celebrated on कब सेलिब्रेट करते हैं हम ट्वेंटी सिक्स जनवरी ओके तो आपको वही लिखना है ट्वेंटी सिक्स जनवरी जे ए एन यू ए आर वाई ट्वेंटी सिक्स जनवरी ओके दिस मच थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग